हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और अभी अभी ना मैं खेत से सब्ज़ी तोड़ के लाई हूँ और यहाँ पे बन रहा है मेरा नाश्ता। तो अभी मेरा बाकी और काम भी है, तो मैं पहले नाश्ता बना लेती हूँ, फिर करती हूँ बाकी के काम। तो दोस्तों, खाना पीना हो चुका था मेरा, अब आ गई हूँ मैं छत में और छत में आज मेरा काम है ये सारी लड़ियाँ उतारने का। तो आज छुट्टी थी बच्चों को, पहले मैंने बाहर का काम किया, खेत का काम किया, उसके बाद नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद बच्चों को खिला के अब आ गई मैं ये वाला काम करने के लिए। बाकी आज यहाँ का मौसम, यहाँ ना सामने हमारा पोल है तो सब ये सामने से तार वार दिखाई देते हैं। बाकी मौसम ठीक है, आजकल ना थोड़ा सा हल्का सा ठंडा मौसम होने लग गया क्योंकि पहाड़ों में बारिश हुई थी बोल रहे थे, तो उस वजह से थोड़ा सा ठंडा होने लग गया। बाकी यहाँ पे मेरा खिल रखा है फूल, प्यारा सा फूल, ये देखो, ये रेड कलर का है, ये पिंक कलर का, पिंक कलर का बहुत छोटा है पर रेड कलर का थोड़ा बड़ा है, ये बड़ा सुंदर है। और इसकी कटिंग मैंने यहाँ पर लगा रखी है, इसमें भी फूल आने लग गया है, देखो ये छोटी सी कटिंग लगा रखी है, देख रहे हो ये वाला, ये इसमें भी आने लग गया है। और एक रेड फ्लावर वहाँ खिल रखा है भैया, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाओ ओ सीट, लेकिन इसमें कीड़ा लगा हुआ है, देखो इसके पीछे कीड़ा है एक, ये देख रहे हो कीड़ा, इतना बड़ा कीड़ा, ये कीड़े पता नहीं इस बारी कहाँ से आ रहे हैं, इसमें दवाई डालनी पड़ेगी। अब जो है फटाफट से लड़ियाँ उतार के इनको इकट्ठा कर देती हूँ। और ना ये जो ये है ना, इनको धो के रखे थे मैंने, अब इनमें करना है कलर, गेरू करना है, इसमें गेरू करके सुखाने हैं, ये मैंने धो के रखे हुए हैं, अब मैंने सोचा एक ही दिन करूँगी, इकट्ठा करके नहीं कर रखा था। तो यहाँ पे ना मैंने दोनों बच्चों को लगा दिया है काम में, पर इनसे ना अच्छे से नहीं हो रहा है, किट्टू से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ख़राब कर दे दी है बेवो। तू मेरा वाला देख ले जो मैंने मोड़ के रखा है, और नीचे मैंने तीन चार मोड़ के रखे हैं, और ये कनेक्टर निकाले, दो कनेक्टर निकाल दिए मैंने, अभी यहाँ के उस साइड से तार आधे बना दिए, आधे एक दो तीन चार पाँच छः मोड़ दिए मैंने। तो फटाफट से हम मोड़ लेते हैं सारे लड़ियों को, सामने से मेरी फोटो दिखाई दे रही है शीशे में। हाँ, तो लड़ियाँ निकालने के बाद क्या करेंगे? इन दोनों ने नहा लिया है, पढ़ाई नहीं कर रखी है, फिर पढ़ाई करेंगे ये दोनों। लड़ियाँ निकालने के बाद क्या करेंगे हम दोनों, कह दिए किट्टू, तो सुन ले, पढ़ाई करेगी अब, आई समझ? तो मैं अभी छत में आई थी, छत की सारी लड़ियाँ उतार के फेंक दी है नीचे, नीचे जाके लपेटेंगे नीचे, अभी आधी तो लड़ियाँ मोड़ रखी नीचे की, नीचे और बाकी ऊपर की फेंक रखी नीचे। यहाँ पर बेबो जो किट्टू जो है ड्रामे कर रही है, टंकी के ऊपर चढ़ रही है, देखो ये। और बाकी छत से दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू, धीरे 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 दिखाएंगे यहाँ का व्यू, बस हो गया व्यू, इतना ही दिखाते हैं, अब चलते हैं नीचे। बाकी आइटम तो मैंने फेंक दिया था ऊपर से, बाकी ये ले जाना रह गया नीचे, ये है सीनी यहाँ की, अब उतरते हैं नीचे। अच्छा, अभी अभी इसने अपने क्लोथ चेंज कर दिए, देखो ये फेंक दिए थे ऊपर से, नीचे का दिखाया था भगवान, अभी से इसने ना अभी तक एक भी लड़ी नहीं उतार, वो नहीं कर रखी, मोड़ ही नहीं रखी है, सब ऊपर से फेंकी थी मैंने, इनमें सब मैं आधे में तो ये बात दी है मैंने, आधे बात नहीं है। तो फाइनली हम लोगों ने लड़ियाँ क्लोज कर दी हैं, अब देखो कितनी कम दिख रही है, लेकिन इनको निकालते निकालते ना आफत आ गई है। टोटल हमारी 38-39 लड़ियाँ थी, अभी इसमें से ना एक खराब भी हो गई है। ये वाला बेबो ने जोर से खींचा ना, अलग हो गया ये इसका हिस्सा, बहुत थकान हो गई अभी, एक तो घाम आया है ना छत में, थकान हो गई बुरी तरह, चुप हो जा, अल्लाह देखते क्यों भाग गई तू, क्यों जाना है, जाओ जाओ जाओ, अब ये क्लोज करके अंदर ले जाती हूँ। तो अब ना दोस्तों इनमें लगाना है कलर, ये कलर यहाँ पर मैंने घोल बना दिया है इसमें, हाथों में लगा दिया है ग्लव्स, क्योंकि ऐसे ना ऐसे दिए पकड़ के लगाना पड़ेगा। तो अब शुरू करती हूँ ये वाला काम, बाकी लड़ियों का काम तो होके वहाँ पर पैक करके रख दिया है सब कुछ, अब जो है ये वाला काम कर लेती हूँ।
तो फाइनली मेरा हो चुका है सारे दियो में कलर। तो बड़े दियो में कलर करने में तो जल्दी हो गया था क्योंकि ब्रश से मारा था, इसमें दिए इन छोटे छोटे में ना ऐसे हाथ से लगा रही हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके ये तो लगभग सभी हो गए हैं, लास्ट बचा था ये। तो आधे देखो ये बड़े वाले जो दिए थे सूख भी गए हैं क्योंकि वो पहले लग गए थे ना, तो इनमें जो छोटे छोटे हैं ये अभी सूखने बाकी हैं, तभी गीले गीले दिख रहे हैं ना, ये अभी अभी रखे हैं ना, इनमें टाइम लगेगा अभी। तो अब ये काम हो गया, बाकी जो बचा हुआ गेरू है ना, ये मेरे पास गमले हैं, ये वाले गमले हैं जो मिट्टी के गमले हैं ना, ये वाले मिट्टी के गमले हैं, इनमें लगा देती हूँ अभी। तो दोस्तों बाहर का काम करने के बाद अब आ गई हूँ अंदर में, और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ झोली पालक की। ये मैंने काली सब्जी निकाली है, टुकिया बोलते हैं जिसको, और ये यहाँ पर बन रही है झोली। अभी थोड़ा इसको गाढ़ा होने के लिए छोड़ देती हूँ, अभी थोड़ा पतला ही हो रहा है ना। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, और बाहर जाके रुको हाँ, तब तक इसको पकने देती हूँ। कल शाम के समय ना मैं नर्सरी गई थी, वहाँ से दो पौधे लाए हूँ। एक तो है अमरूद का, ये ना लाल वाला अमरूद है, और एक है पपीता। ये मेरे टोटल 100 रुपये के पड़े थे दोनों पौधे। वैसे वो भैया जो है नर्सरी वाली, वो इसको 50 रुपये का बोल रहे थे, इसको 80 रुपये का बोल रहे थे। तो वैसे कितना होता पैसा, 50 100 200 और कितना हो रहा, 80 50 60 70 80, मतलब 130 रुपये के बन रहे थे दोनों। तो मैंने फिर 30 रुपये बड़ी मुश्किल से कम कराए, तो मेरे को दोनों 100 रुपये के पड़ गए हैं। तो ये वाला अमरूद बोल रहे थे पिंक होगा, पता नहीं होता कैसे है, कल शाम को लेके आई थी मैं ये। तो अब ना इसको मैं घर के आगे ही लगा दूँगी, जब तक घर में इधर अगल बगल मकान नहीं बनता है तब तक तो हम खा ही सकते हैं ना, इनको यूज कर ही सकते हैं। पपीता तो थोड़े दिनों में ही ख़राब हो जाता है, लेकिन अमरूद रहता है कुछ टाइम तक। ये सारे दिए ना सूख गए थे, तो मैंने ये थैले में डाल दिए, 10 किलो का एक थैला है, और ये जो लड़ियाँ थी इसमें भी, इसको भी सब इसमें पैक कर दिया है। अभी अब शाम शाम हो गई है, खाना भी बन रहा है, 2 लगभग बज गया है। यहाँ पे एक मिर्ची लाल हो रही है, अरे यहाँ भी हो रही है लाल, ये इसमें भी ना मिर्च लाल लाल होते रहते हैं। अभी कम कम हो रहा है ये फूल। हम बच्चों को ना अंदर जाके खाना खिला लेती हूँ एक बारी, छोटी बटन वाली रोज। तो दोस्तों समय है शाम का, और यहाँ पे मेरी लाडू तैयार हो रही है कराटे क्लास जाने के लिए। आजकल ना थोड़ा सा ठंडा होने लग गया, क्योंकि हम लोग स्कूटी से आना जाना करते हैं तो हवा लग जा रही है स्कूटी में, तो इसलिए इसको पहना रखा अंदर से इनर अपर। और अब मैं भी हो जाती हूँ तैयार, क्योंकि 4 बज चुका है, 4 बज गया है, हमें 4:30 तक पहुँचना होता है वहाँ इसकी क्लास, कराटे क्लास। हाँ हाँ बाबा, हो रही हूँ तैयार। यहाँ पे भी वो कर रही है पढ़ाई कर रही है ना, मैं खाली बोल रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ मेरी। इसका तो दिन भर खुले रहता है, खुलने को ये पता नहीं जितना, ये ऐसे ही खुला है, जितना पढ़ने दी, जितना ये दिन भर पढ़ती है बस ये तो नंबर नहीं लाती है, पता नहीं शट अप, पता नहीं क्यों पढ़ती है इतना, ये क्यों पढ़ती है इतना, तेरे को शर्म नहीं आई? नहीं ये सच में बेशरम लड़की है मेरी, एक नंबर की बेशरम। वो ला दो एक रबर, ला दो बाल बनाने। बिल्कुल भी नहीं, मतलब मम्मी सामने आके कॉमेडी कर रही है तो मम्मी को काम बताएगी, खुद से कर ले अपने काम, रबर ला दो ना। बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों शाम का टाइम है, और आजकल ना थोड़ा सा ठंडा होने लग गया, थोड़ा सा क्या ठंडा होने लग गया है। तो मैं तो किट्टू को ना क्लास ला जाके लेके आ गई, मतलब दूध लेके आ गई, और अब जो है खाना पीना बनाती हूँ। अभी अभी पहुँच रखी हूँ, मेरे को ठंडा हो रहा है, जैसे मैं किट्टू को लाना पहुँचाना कर रही हूँ। सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर ना बहुत ज़्यादा कोहरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं फिर भी कोहरा लग रहा है, तो उसकी वजह से ना ठंडा हो जा रहा है, मेरी तो हालत ख़राब हो जा रही है, बिल्कुल मुँह सूख के ऐसा हो जा रहा है, हद से ज़्यादा ख़राब। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को अब समाप्त करती हूँ, और आप लोगों से मिलूंगी कल के ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में जब भी दूसरा ब्लॉग आएगा उसमें मिलती हूँ, और तब तक आप सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।